एवरीवन वेलकम टू द मेकअप डायरीज। नाउ आज हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ड्राई हेयर, रूखे बेजान बालों के बारे में, या फिर यू कैन से फ्रिजी हेयर, जहाँ मतलब बिल्कुल आपके बाल ऐसे फूल के बिल्कुल यू नो वो क्या वो सब मजाक उड़ाते हैं, क्या बन जाते हैं, चिड़िया का घोंसला बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें करनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर वन। द नंबर वन थिंग इज शैम्पू। नाउ विद ड्राई हेयर डू नॉट वॉश योर हेयर एवरी डे। आपको अपने बाल रोज नहीं धोने हैं क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी बहुत ड्राई हैं, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत कम है। अगर आप रोज़ शैम्पू करोगे जो नेचुरल ऑयल है बालों का, ठीक है, वो आप निकाल दोगे बालों से। सो यू शुड नॉट शैम्पू योर हेयर एवरी डे। द सेकेंड थिंग अबाउट शैम्पूज ओनली, डू नॉट यूज अ शैम्पू दैट हैज सल्फेट इन इट और दैट हैज यू कैन से अल्कोहल इन इट। सल्फेट्स नहीं होने चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। यूज़ अ शैम्पू दैट हैज़ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, जैसे कि यू नो ये अल्ट्रा ब्लेंड आता है गार्नियर का विद ऑयल, आप वो यूज़ कर सकते हो। पैंटीन आजकल ऑयल इन आता है, या फिर लॉयल में भी। एवरी शैम्पू हैज़ डिफरेंट वर्जन जिसके अंदर ड्राई हेयर के लिए स्पेसिफिकली अलग शैम्पूज होते हैं, आपको वो यूज़ करना है। Now the third thing would be about after you know right जब आप wash कर रहे हो अपने बाल, सबसे पहले मैं recommend करूँगी बाल धोने से पहले बाल सुलझा लेने हैं। You have to make sure उसमें कोई tangles नहीं होने चाहिए। ऐसे मोटे दांतों वाला comb use करके make sure that you know आप बालों में कोई tangles नहीं होने चाहिए आपके बालों में। And उसके बाद जब आप कंडीशनर लगाते हो, कंडीशनर लगाने के बाद जब आप यू हैव टू रेस्ट योर हेयर, राइट, 5 से 6 मिनट रुक के फिर वॉश करना है, उस दौरान भी आपको कम कोम्ब ऐसा यूज़ करके अपने बालों में कोम्ब करना है। उससे क्या होगा, जो भी आपका कंडीशनर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पूरे बालों में। नाउ द फोर्थ थिंग वुड बी हेयर मास्क। नाउ ड्राई हेयर है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क आते हैं ड्राई हेयर के लिए। यू कैन यूज़ यू नो लाइक दिस वन, ये मेरा फेवरेट हेयर मास्क है। दिस इज़ द बॉडी शॉप बनाना हेयर मास्क। नाउ दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर ड्राई हेयर। ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छा हेयर मास्क है। आप मेक श्योर करें कंडिशनर के बाद हेयर मास्क भी लगाएं, या जिस दिन आपका कंडिशनर करने का मन नहीं है आप हेयर मास्क लगाएं, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर। Now the fifth thing is using hair serums. Now you can use any serums like Livone or a serum like Streaks. Now there are very good serums in the market that come, but हम हमेशा serum बहुत हल्का use करते हैं, ज़्यादा serum oil नहीं use कर रहे हैं, serum use कर रहे हैं। Now make sure that you use your serum जब भी comb करना है, बाल गीले हैं comb करने, you know बाल गीले हैं उनको हल्का सूख जाने दीजिए, पूरा ड्राई नहीं, हल्का सूख जाने दीजिए, उसके बाद सीरम लगा के ही कोम करना है। नाउ द सिक्स थिंग दैट आई विल टेल यू इज यू नो आफ्टर वॉशिंग योर हेयर, आप टॉवल से अपने बाल ऐसे नहीं करेंगे बिकॉज इट विल क्रिएट मोर फ्रिक्शन, आपस में बाल और उलझेंगे जो हमें नहीं चाहिए। सो मेक श्योर आप अपने बालों में अगर टॉवल लेते हैं तो ऐसे प्रेस करके यू नो आप एक्सेस वाटर निकालेंगे, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर दैट वो बाल आपस में उलझ नहीं जाने चाहिए। सो लेट्स गो टू द सेवेंथ थिंग वुड बी यूजिंग अ डीटैंगलिंग लोशन। ना डीटैंगलिंग स्प्रे आता है आजकल, एज लाइक दिस वन इज द बॉडी शॉप रेन फॉरेस्ट। जिनके कलर्ड हेयर होते हैं या जिनके बहुत ड्राई बाल होते हैं या सूखे रूखे बाल होते हैं, वो आपस में उलझते बाल हैं बहुत है, मेक श्योर दैट यू यूज़ यू कैन से अ डीटैंगलिंग सीरम और डीटैंगलिंग लोशन और मिस्ट दैट विल हेल्प योर हेयर यू नो टू हैव अ बिट ऑफ मॉइस्चर और आराम से सुलझाने में मदद करेगा। द एट्थ थिंग वुड बी रात को सोते हुए कभी भी बाल खोल के नहीं सोना है, बाल हमेशा बांध के सोना है, जस्ट लाइक दिस इन अ पोनीटेल और जस्ट लाइक इन अ बन। मेक श्योर योर हेयर आर टाइट, खुले बाल नहीं लेके सोना है। और सोने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई सीरम, एज अ लाइक आई विल जस्ट अप्लाई 2 pumps ऑफ इट, ठीक है, आपस में रब करना है ऐसे, एंड देन मेक श्योर दैट यू अप्लाई लाइक दिस एंड देन ऑन द एंड्स। मेक श्योर यहाँ पे अच्छे से सीरम होना चाहिए,
ठीक है, उससे क्या होगा, आपके बालों में मॉइस्चर रहेगा एंड इट विल जस्ट लेट इट, यू कैन से सिट देयर, और सुबह आपको अच्छे हालत में बाल मिलेंगे. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नाइन्थ थिंग दैट आई विल टेल यू इज मेकिंग श्योर दैट हीट, ऑब्वियसली आपके ड्राई हेयर हैं तो आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम हीट, यानी कि प्रेसिंग, रीबॉन्डिंग, और यू कैन से ड्रायर, लॉट ऑफ ड्रायर. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट दीज डेज, बट मेक श्योर दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम. आप जितना ज़्यादा उनसे दूर रहोगे आपके बालों की हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा ये अच्छा है. अगर आपको स्टिल यू वॉन्ट टू यूज़ अ ड्रायर और समथिंग, मेक श्योर दैट यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट. ठीक है, आप हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ करें. ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू नो कैन सेव यू फ्रॉम the dryness of your hair and the damage of the hair. And the 10th thing, not you know, I'll say a very important thing, that is oiling. Oiling is your best friend. There is nothing better than oiling. Oil your hair at least once a week, proper roots se leke tips tak. If you want to know how you should oil your hair, मतलब आप जानना चाहते हो कि आप अपने बालों को किस तरीके से इतने अच्छे से oil करो that your, you can say your hair should get all the properties, all the benefits, सब you know benefits मिले, तो मैंने एक video किया है YouTube पे, हमारे channel पे, आप please वो video check करना, it will really help you so that you understand how and what is the best way, क्या तरीका है oiling करने का जिससे आपके बालों को सबसे ज़्यादा strength मिलेगी. So that is all for today and thank you so much for watching. अगर ये video पसंद आए तो please इसको like करना ना भूलें. Okay, make sure that you subscribe to my channel and lots of love to everyone. Take care. Bye-bye.